बेरायतीन के हथखोज स्थित दुर्गा स्टील सेल्स में बायोडीजल का रिफिलिंग करते हुए कंपनी के सुपरवाइजर को बेरायतीन पुलिस ने पकड़ा है। बायोडीजल का रिफिलिंग करते हुए कंपनी के सुपरवाइजर को पुलिस ने पकड़ा है। उसके खिलाफ भिलाई 3 पुलिस कार्रवाई कर खाद्य विभाग को सौंप देगी। भिलाई 3 थाना प्रभारी विनय सिंह बघेल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर हथखोज भिलाई 3 स्थित दुर्गा स्टील रोल्स में टैंकर DD01C9468 में बायोडीजल भरा हुआ था, जिसका मालिक प्रतापगढ़ यूपी निवासी समर सिंह है, वर्तमान में गुजरात में रहता है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जब कंपनी में दबिश दी, तब सुपरवाइजर चंद्रशेखर रिफिलिंग करते पकड़ा गया। पुलिस इस अवैध कारोबार को संचालित करने वाले के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। बायोडीजल के अवैध कारोबार को लेकर लगातार सूचना मिल रही थी, लेकिन आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हो रहा था। भिलाई 3 पुलिस ने टीम तैयार कर कंपनी में दबिश दी और रिफिलिंग के दौरान 21 लाख रुपए से भी अधिक का बायोडीजल जब्त किया। जिस सूचना प्राप्त हुई कि हथखोज में हैवी इंडस्ट्रियल एरिया में बायोडीजल का अवैध संग्रहण किया गया है, जो थाने की टीम के साथ जाकर वहाँ पर दबिश दी गई। दुर्गा स्टील रोल्स में एक टैंकर जो कि DD01C9468 क्रमांक का है, उसमें करीबन 24 टन बायोडीजल पाया गया और मौके पर उस फर्म के सुपरवाइजर चंद्रशेखर सिंह पिता दीनानाथ सिंह, जो कि बनारस का रहने वाला है, उससे पूछताछ पर कोई दस्तावेज प्रदान नहीं किया गया है, जानकारी बाद में देना बताया गया है, जिस पर धारा 102 CRPC के तहत कायमी की गई है और जो कि फूड विभाग से चर्चा की गई है, इनको प्रकरण तैयार कर सुपुर्द किया जाएगा। मेन आरोपी कौन है? इसमें जो इस रिफिलिंग सेंटर का मुख्य स्वामी बताया जा रहा है समर सिंह, जो कि प्रतापगढ़ यूपी के रहने वाले हैं। सर, ये कितनी वैल्यू की है? ये इसकी कीमत तकरीबन 21 लाख रुपए के आसपास है। बहरहाल पुलिसिया कार्रवाई लगातार जारी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।